संगारेड्डि जिला संगारेड्डि पट्टणंलोनी मदीना चौरस्तालो कौन्सिलर शफिया आध्वर्यंलो संगारेड्डि शासन सभ्युलु तूर्पु जग्गारेड्डि मरियु कूतुरु जयरेड्डि जन्मदिन वेडुकलनु अंगरंग वैभवंगा निर्वहिंचारु। ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి మాట్లాడుతూ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక సంగారెడ్డి జిల్లాకి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సంగారెడ్డికి రాలేదు అని అన్నారు। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డిని కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని రోసయ్యని సంగారెడ్డికి తీసుకొచ్చిన ఘనత సంగారెడ్డి ప్రజలదని ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలియజేశారు। వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఐఐటి తెచ్చిన ఘనత మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, అలాగే సంగారెడ్డికి మెడికల్ కాలేజ్ రావడానికి ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి రెడ్డి ఎంతో కృషి చేశారని ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలిపారు। ఆదా సంగారెడ్డి ఉసిందావ జవాన్లు జ బంజా చైర్మన్ తమ్మై చారాన మంజరా పని బారాన గోర్కా పని ఉస్కే ఓ టైం పే ఏకి బాత్ బులే ఆవాజ్ పూచే ఏకి బాత్ బులే నా సాహబ్ గడ్డే పే భై ఆప్ కిసి హాల్ ఆప్కో హమ్ జితా లేంగే अगर आगे पीछे होंगे क्या तो भी रहेंगे नाल साहब गड्ढे में बड़े बड़े गड्ढे हैं, गड्ढे भी जाना मंजिला का पानी है। मैं वहां से लेके जिस दिन राजशेखर रेड्डी साहब कांग्रेस हुकूमत में मेरे को बुलाए, मैं बोला अगर मैं पार्टी चेंज कर रहा हूं, अगर मेरा इज्जत गए तो परवाह नहीं, मगर संगारेड्डी का खाइस्ता ये यहाँ के 2 किलोमीटर मंजिला डैम था, मगर पानी तो मंदिर पानी आ रहा गड़े भी चले गए। मगर ये पानी में कौन ठहरते कौन जाते देखते हैं। यहां से भागने वाले मेरे को काम को नहीं आते, कोई भी नहीं भाग सकता, कोई भी नहीं भागते, वो मेरा काम वाले है। ठीक है, वहां से लेके देखो, वहां से लेके वो हुकूमत में आपको मालूम जितना हो सके उतना मेरे बहुत करा, मैं बहुत करा, मंजिला पानी से लेके ये बड़ा ये किला है। यहाँ के पूरे मेरे जो साथी के जो साथ दे रहे हैं मेरे लिए, सबको मेरा सलाम, सबको मेरा सलाम। मैं आज तक मैं कोई भाषण तो नहीं दे सकता, बात है कि आज का आज मेरा मेरे बेटी का जो बर्थडे है, मैं बोला मैंने पार्टी के ना सबको बोला, कहीं को मेरा दिल थोड़ा अच्छा नहीं है ये टाइम पे, मैं मेरे भरा मगर कोई पब्लिक को कुछ कर सकने कर सकता कुछ भी नहीं कर सकता। कहीं बोल तो वो 10 साल में जो हुकूमत था, मैं जो 2004 में अलायंस कांग्रेस में मैं टीआरएस है, जो जिस दिन में रांची जो राजशेखर साहब बुलाए थे जिस दिन गया, मैं इस दिन एक ही बात बोला, मैं 2004 में या नाव साहब गड्ढे में 2004 में जिस दिन मैं बैठा उस दिन तमाम नाव साहब गड्ढा एक ही आवाज़ थी, भाई जग्गा रेड्डी आप तो बल्दिया के चेयरमैन बने, आप यहाँ का हाल क्या है। लाल साहब बड्डा तमाम लाल साहब बड्डा संगा रेड्डी का पानी का मसला बहुत था। साहब के साथ जुड़े हुआ हूँ, कोई मेरा जाति मकसद नहीं है, इनकी खिदमत को देखकर अवामी खिदमत का जज्बा इनके दिल में रखकर देखकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और आप तमाम लोग जग्गा रेड्डी साहब के हर प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक मिनट जगदंडी साहब को बात करने के लिए कर रहा हूं। सब बोलो हमारे हाजी भाई, मजहर भाई, रहमत भाई और जो भी लोग हैं, जरा हमारे सुतु भाई, ताहिर भाई, रवि भाई, रेल ट्रेन नहीं होता, गुड्स का गाड़ी बन गया बनता पूरा। गुड्स का गाड़ी में कम से कम 100 पेटी रहते, उसमें 100 पेटी का भी इम्पोर्टेंट रहता। अब किसका नाम बोल के पुकारेंगे भैया? ठीक है, मैं आज तो मेरे जो साथी मेरे पार्टी के वर्कर या पार्टी के लीडर जो मेरे चाहने वाले साथी
एक माइनॉरिटी उर्दू कॉलेज की फीस बने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की, ये भी चक्कारी साहब का कारनामा है। संगारेड्डी वाली यही जगाड़ी साहब की खिदमत रही। हम अब मसला ये है कि जगाड़ी साहब की खिदमत बोलते बोलते अपन की सुबह से शाम हो जाती। हकीकत में जगाड़ी साहब एक अवामी लीडर है और पब्लिक के और अवाम के दुख दर्द को समझने वाले लीडर है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इल्तिमास, तमन्ना है मेरी आप लोगों से, आप जगाड़ी साहब के साथ मुसलसिल जुड़े रहिए। सुफिया वैसा बोल रही, ये मेरे पैसे, जो मेरे पैसे पावर आपका, आप पावर दिए उस वो पावर के नाम पे मैं पैसे कमा के वो पैसा आपको खर्च कर, ये आपका पैसे है। खानदान से कोई करोड़पति नहीं होता है, हूँगा केसीआर साहब खानदान से करोड़पति हूँगा, हूँगा केसीआर खानदान पैदाशी से करोड़पति हूँगा, हूँगा मोदी जी करोड़पति लखपति भी नहीं। आप पावर दिए कमाएंगे, अगर कमाई में हमको वक्त साथ दिए तो गरीबों को करेंगे, ऐसे कामों करेंगे, शक उसमें किसी को कोई शक नहीं है। ठीक है, मैं आज का पॉलिटिकल बात करना नहीं था, मैं इतने अपने भाई साहब लोगों को देख रहे थोड़ा अंदर से भाग के आ गया, इसलिए मैं थोड़ा इसीलिए मैं बात करना पड़ा। दिल के लोग केसीआर साहब जो है सो असेंबली में मंजूर करें, वो भी जग्गा रेड्डी साहब की मुसलसिल जिदोजहद की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कॉलेज में मंजूर हुआ। और सपने बड़ा कारनामा तेलंगाना लेवल, जब आंध्र प्रदेश हाथ से दिलाया, मैं सीएम राजशेखर रेड्डी हाथ से आपका इमामों को जो कुलपुर करे है ना अभी, वाह, मैं खुद जमील भाई, अपना जमील भाई घर में बैठ के मदीना होटल जमील भाई घर में बैठ के पट्टादारों को बुला के 2004-5 में 13 लाख रुपए पट्टादारों को दे के राजशेखर रेड्डी साहब को जिस दिन संगारेड्डी आया उस दिन 8 लोगों को 20 लोगों को इनामों को, आज का रेट क्या है आज? अब आजकल हमारे इसमें कई लोग वो प्लाट सेल रिसेल कर रहे हैं, वो प्लाट 10 लाख 8 लाख में क्या अंदर भाई, अंदर भाई 8 साल 2 साल में प्लाट रिसेल हो रहा, 12 लाख से 20 साल हो रहा प्लाट। ये कारनामा श्री गौशरीफ जगाड़ी साहब का है। मुतहिदा आंध्र प्रदेश जब था, कई भी इमाम और मौजन को प्लाट नहीं दिया गया जगाड़ी साहब की जिदोजहद पर, और उनके जाती पैसों से जमीन पे हजार हजार वालों को हटाकर इमाम और मौजन को प्लाट दिया गया। और यही नहीं मेरे भाई, एमएलए साहब क्या करे क्या करे, टीआरएस वाले डेली और यूट्यूब में बात करते, अरे 10 साल में 15 बार यहाँ को राजशेखर रेड्डी साहब, किरण रेड्डी साहब, रोशन साहब सीएम को लाया, ये तो है ना भाई। ये बात पूछता हूँ यहाँ के टीआरएस के नेताओं को, पूछता हूँ मैं पूछता हूँ, एक टर्म तो दिए ना, चाहे 10 साल को भेज दिए, मेरा हुकूमत कैसा था? एक टर्म टीआरएस को दिए, वो हुकूमत कैसा था? कम से कम ये हुकूमत में कुछ नहीं हुआ, मगर अगर हुकूमत मेरा नहीं रहे तो कम से कम दबा रहा ना टीआरएस पार्टी के ऊपर। मेडिकल कॉलेज के लिए मैं हारने के बाद, मेडिकल कॉलेज के लिए मैं 3.5 साल लड़ा है या नहीं? अगर मैं नहीं लड़े तो मेडिकल कॉलेज आता था क्या? वो मगर करने वाला तो भी रहना,